हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बड़ों का मेरा प्रणाम, छोटों का मेरा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्ट अभी 10 बजे से हो रही है मॉर्निंग, और अभी मेरा सारा काम वगैरह हो गया है, जो भी सुबह का काम होता है। तो अभी और बेटा भी जा रखा है पेपर देने, आज उसका फोर्थ पेपर है। दो पेपर उसके बाद और बच जाएंगे उसके, और आ जाता है। आजकल तो जल्दी आ जाते हैं, जैसे पेपर चल रहे थे 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाते हैं घर पे। अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, तो उनकी गली के बाहर हूँ, अभी गली में हूँ, तो पहुँचने वाली हूँ थोड़ा देर पे। तो मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है घर। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ, तो उनका दिखाऊँगी, उनके घर में क्या क्या है वो चीज़ें दिखाऊँगी मैं। इधर से इनका ही है, दिखाती हूँ मैं। और ये है, ये भी इसमें ना फूल वगैरह आ रहे हैं। ये ना नींबू का पेड़ है, ये भी इनका ही है, मेरे फ्रेंड का। ये पूरा खेत उनका है, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये देखो कितने अच्छे अच्छे नींबू के ना, ये नींबू के फूल आने लग गए हैं। अभी सारा हर चीज़ में फूल आ रहे हैं, जैसे ये आम के बोर भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये आम के बोर भी आ रखे हैं सब में। ये जो जितने भी पेड़ हैं ना, सब में आम के फूल आ गए हैं। आम के बोर भी बोलते हैं, कुछ फूल भी बोलते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, ये है इनका खेत ये, और इधर सीप चना वगैरह भी लगा रखा है। ये सारे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उधर भी है नींबू का पेड़, और अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। घर के आंगन का आंगन है, ये फूल अच्छा हो रखा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है ये फूल तो। और इधर भी है ये वाले फूल, बहुत सुंदर से दिखाती हूँ। ये तो है ना राई थी, ये तो राई भी अभी ये बीज बनाने के लिए छोड़ दिया है राई का, और ये फूल बहुत अच्छे हो रखे हैं। ये अच्छे, ये ना जब फूल आना होता है ना, इस हिसाब से इसका ना, ये देख सकते हो ना, ये कली है, ये बाद में खिलती है। बहुत सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं यहाँ पे। ये वाले अच्छे हो रखे ना, दो तीन तरह के हैं। ये अलग अलग है देखो। हाँ ये अलग, अलग है। हाँ ये अलग है। हाँ और ये शेड वाला अलग है। हाँ दो तीन तरह के। ये रे मेरे फ्रेंड, अभी इन्होंने नाश्ता ही करा हुआ है। बहुत तरह के अलग अलग है वो। वो ये हाँ ये लाइट पिंक भी है। हाँ डार्क इस बार दिखा, मैंने कहा इस बार मैंने अलग अलग बीज रखना, अलग अलग लगाने हैं सब। हाँ अलग अलग रखना है इसका बीज। इसमें ऐसे है ना पंखुड़ियाँ। हाँ पत्तों में भी अंतर है, ये थोड़ा वैसा है, ये हाँ नहीं नहीं पत्तों में भी फर्क हो रखा, बहुत अच्छे हो रखे रे। और ये है लहसुन, लहसुन में भी घास हो रखा है इधर। ये बथुआ का पेड़ देखो, ये टमाटर। हाँ इसमें लगे हुए टमाटर दो चार ही लगे हैं। ये छोटा वाला है ना, अच्छा ये वाला, ये हाँ मीडियम है, ठीक है ना, अच्छा वाला। एक बार आपके वो वाले कितने लगे थे ना, लगेंगे वो भी पर तो। ये अमरूद का पेड़ भी है, इनका ना बहुत बड़ा खेत है मेरे फ्रेंड वालों का ना, तो ये आप देख सकते हो फूल ना बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ना। इधर ये अभी गुलाब के तो फूल खिले नहीं है, ये है। और ये बाकी ये इसमें मेथी थी, मेथी भी अब ख़राब होने लगी, टाइम हो गया ना मेथी का, तो अभी इसका भी टाइम हो गया है।
अभी मैं पहुंची हूँ और मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मेरे फ्रेंड से भी मिला दिया है और इधर का ना सारा व्यूज वगैरह मैंने दिखा दिया है। और अभी मैं ना पीछे वाले, और मेरे पीछे है ना तो बड़ा खेत है, उसमें भी जाके और आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसमें ना आम के बौर वगैरह आ रखे हैं बहुत सारे, और जो नींबू के पेड़ है उसमें भी फूल आने लग गए हैं, तो वो इस चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं ना आंटी से भी मिलाती हूँ कि सास को दिखाती हूँ मैं। आंटी का ना अभी बाल बना रहे हैं वो, आंटी के बाल बना दिया है आंटी इधर। हाँ आंटी सुन रही है न्यूज, आंटी न्यूज सुन रही है। अभी मेथी साफ करेंगे ये लोग। अभी आया है ये। हाय करो, हाय करो, हाय करो, कुछ नहीं है। हाय रेंजर, मेरे फ्रेंड का इसकी ना तबीयत ख़राब हो रखी है, आज इसको ना डॉक्टर में ले जा रहे दो तीन दिन से। अभी भी ये वहाँ हॉस्पिटल से आया है, अभी इसको दवाई खिला दिया, ये आराम से यहाँ पे लेटा हुआ है, ये अब सो रहा है, सो रहा है। हो रखे है फूल ये, और इधर खेत में ये टमाटर के भी तो पौधे हो रखे हैं, पौधे पूरा फैला हुआ जड़ अच्छे हो रखे। मेथी भी है, ये फूल वगैरह हो रखे हैं इधर। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना सीप चना हो रखा है, ये सीप चना, इसमें ना ये फल भी लगे हैं, लगने लग गए हैं सीप चना। और सब्जी इसकी ना अच्छी होती है बहुत। और ये पेड़ आम का, आम के बौर आ रखे हैं ये। इधर से भी ये गैलरी है, ये इनका ना बहुत बड़ा मकान है ये। ये भी पेड़ है नींबू का, इसमें तो नहीं आ रखे फूल अभी। अभी हम खेत में आए थे तो ये रेंजर भी आ गया हमारे पीछे पीछे खेत पे, उसको टॉयलेट लगी थी। देखो इधर लहसुन हो रखी है, यह है सिपचाना, सिपचाना, सिपचाना। अभी लगे नहीं ना इसमें, अब लग रहे हैं। हाँ अब लग रहे हैं ये कुत्तों ने जा जाके सब लिटा दिए। हाँ वही तो, ये अमरूद के पेड़ है इधर बहुत सारे है, और ये आम के पेड़ है, ये बड़ा वाला, ये जामुन, आम के तो सारे बौर आ रखे हैं आम के पेड़ में। ये नींबू का पेड़ है, ये नींबू नहीं है, जामीर बोलते हैं हमारी पहाड़ों में जो होते हैं ना, ये जामीर का पेड़ है, तो इसमें भी फूल आने लग गए हैं। और ये इधर बहुत सारे पेड़ पौधे हो रखे हैं, और इधर तो बस इतने ही है, आगे तो पूरा जंगल टाइप का हो रखा है। इधर बहुत सफाई भी करनी हो रखी है खेत में। ये इधर मेथी वगैरह है, ये घास है ना मेथी वाला, वो बारसी। अच्छा बारसी, ये अच्छा प्याज इसी में लगाया था क्या आपने? बाबरे, हाँ इन्हें ठंड में। दोस्तों अभी मैं अपने फ्रेंड के घर से आ चुकी हूँ, और अभी अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, और मैं वहाँ से लाई हूँ ये उनके खेत से, और उन्होंने मुझे दिया है ये बथुआ, और उनके खेत में ना बहुत सारा हो रखा था बथुआ भी। बीच में हम बाज़ार से तो ये खरीद के ला रहे थे, बाज़ार से 20 रुपये पाव 25 रुपये पाव था। और ये लाई हूँ, ये धनिया है और फ्रेश धनिया घर का, और मेथी भी है, मेथी भी
और अभी तो फूलने लग गए, बीच में तो अच्छी हो रखी थी और बीच में भी मेरे को दिया था, और अभी ये फूल देखिए थोड़ा सा, अब इसके ना मैं पत्ते, ये फूल तो नहीं डालूंगी, फूल डालेंगे तो ये कड़वापन आ जाएगा, इसको फूल को हटा देंगे और बाकी मैं चाहे पराठे बनाए या सब्जी है, और तो इसका बना सकते हैं हम रायता और या पराठा भी बना सकते हैं, जो भी बनाऊंगी तो वो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और अच्छी हो रखी है बथुआ ना, उनका बहुत ज़्यादा हो रखे था, अभी फूलने भी लग गया है, काफ़ी बीज भी बन रहे हैं, ये इसके ये ऐसे फूल हो रखे हैं, ये फूलने लग गया ना, अब टाइम भी तो सीजन भी तो जाने वाला हो गया है, तो फूलने भी लग गया, ये बीज बनने लग गया है। तो ये कड़ी थी, मैंने अभी खाना बना दिया है, खाने में मैंने चावल बन गए मेरे, ये कड़ी है, ये कड़ी ना मैंने कल बनाई थी दोपहर में, और मुझे ना कड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने शाम के लिए भी बना दिया था थोड़ा सा ज़्यादा, तो शाम को नहीं खाया, तो मैं अभी इसको यूज़ करूँगी, और फ्रिज में था, ख़राब नहीं होता है कड़ी तो, और जितना ज़्यादा बासी रहती उतना और ज़्यादा टेस्ट आता है, तो मैं कड़ी, और इधर ये है आलू का झोल, और सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और दो आलू मैंने बचा दिए थे, तो ये बेटे के लिए हो जाएगा आलू का साग, और ये मेरे लिए हो जाएगी कड़ी। तो मैंने बस आज खाना ना कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बनाया है, और बस इतने में हम दोनों का काम चल जाएगा, और ये मैंने आलू का, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे तो आलू का झोल अच्छा रहता है चावल के साथ, और बहुत टेस्टी होता है, और ये चीज़ें मैंने बनाया गए है चावल, अभी इसको हम गैस निकलने देंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे गर्मा गर्म खाना। अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे कपड़े ले जाने के लिए, और आजकल ना धूप बहुत अच्छी, सुबह से ना एकदम खिली खिली सी धूप अच्छी आती है, बहुत तेज़ आती है, तो कपड़े भी आजकल जल्दी सूख जाते हैं, और ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तो अभी मैं जाती हूँ ऊपर, और अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ का पहले आज का भी कैसा है, और तो वो चीज़ें दिखाती हूँ। ये है इधर का व्यू, और धूप आ रही है एकदम अच्छी सी, खिली खिली सी धूप है, और उठाती हूँ, ये मकान भी मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और इसमें हो गई है आज बिजली की फिटिंग, ये फिटिंग वगैरह भी कर दिया है, अब लेंटर भी जल्दी पड़ी जाएगा, ये अभी जो आगे है ना थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे अभी सरिया भी नहीं बिछे हुए हैं, उधर फिटिंग भी नहीं करी, ये जो आगे ये जो पास पास का है ना इस एरिया में फिटिंग भी हो गई है अच्छे से ये, और इस हिसाब से है इधर का व्यूज, और धूप बहुत तेज आ रही है खिली खिली सी। अब उठा लेती हूँ मैं कपड़े सूख गए, एकदम हवा भी चल रही है ना आजकल, तो धूप के साथ साथ हवा भी है, तो एकदम कपड़े सूख जाते हैं, तो उठा लेती हूँ कपड़े भी, और खाना वगैरह बन गया है, और अब मैं खाना लगाती हूँ और खाते हैं गर्मा गर्म। दोस्तों खाना वगैरह हो गया है हमारा अभी, और खाना बहुत अच्छा था, और ज़्यादा कुछ नहीं था, खाना सिंपल ही था लेकिन बहुत अच्छा था जो भी था, तो अभी हो गया है खाना, करते हैं हम थोड़ा देर आराम, अब आजकल थोड़ा सा दिन भी बड़े होने लग गए हैं, तो थोड़ा देर और आराम कर लेते हैं हम, अभी कहीं जाना तो है ही नहीं, तो आराम ही करते हैं। मैं ये मेथी और बथुआ साफ करती हूँ, अभी मैं खाली हूँ, तो मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, मैं दिन में ना नींद भी नहीं आती, मैं पहले तो मैं लेट गई थी सोने के लिए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मैं अभी इसको साफ कर लेती हूँ, और जो ना ये मेथी में ना ये फूल है पीले पीले और फूलने लग गया ना, तो मैं इसको हटा दूँगी, इसको नहीं डालूँगी सब्जी में, और इसको डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा, तो मैं इसको हटा दूँगी, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ थोड़ा देर में ऊपर छत पर, और धूप भी सेकूँगी, धूप में तो बैठने जैसा नहीं है, थोड़ा सा मैं ना ऊपर ही जाके अभी साफ़ करके लाती हूँ। दोस्तों अभी हम मेरे फ्रेंड और मैं ना घूमने गए थे बहुत दूर लंबा, तो अभी आए हैं घर में, तो अब जाती हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और खाना आज बस
ऐसा कुछ नहीं है, आज खाना सिंपल ही रहेगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।